नमस्कार राम राम आप में मैं आपकी होस्ट अविनाश सिंह चैनल और आज का मुद्दा बहुत संगीन है तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज की खुशी मनाने लग जाते हैं तभी उससे उल्टी न्यूज जा आ जाती है और कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुछ दिन पहले केस आया था रंजीत श्रीनिवासन जी का उसपे हमने काफी खुशी भी मनाई थी क्या है मुद्दा और क्यों अब हम अभी थोड़े से परेशान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अविनाश भाई ओवर टू यू लेट्स गेट स्टार्टेड जी आ, नमस्कार गायत्री जी आपको और दोनों ही चैनल के सभी दर्शकों को देखिए जज फैसला दे रहे हैं जिसने गुनाह किया है उसके खिलाफ जज फैसला दे रहे हैं जिन्होंने गुनाह किया है उसको सजा समस्या यह है कि अभी तक यह परंपरा नहीं रही है जम्मू कश्मीर की स्थिति को छोड़ दिया जाए कि जज कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ उसको धमकी देना या इस तरीके की चीजें करना बेसिकली मैं घटना बताता हूं 2021 में एक हत्या होती है पीएफआई के लोग करते हैं पीएफआई बैन है हम लोगों ने पी पे काफी सारे कार्यक्रम किए थे पीएफआई बैन है बैन संस्था है आज के डेट में और पीएफआई के पंद्रह लोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के एक नेता रंजीत श्रीनिवासन जिनका नाम है उनकी हत्या करते हैं उसके बाद यह केस चलता है जिला अदालत में केस चलता है जिला अदालत में बीजी श्रीदेवी करके एक जज है महिला जज है वह पंद्रह पीएफआई के जो लोगों ने इस, इस, इस चीज को किया था उनको मृत्युदंड की सजा देती है अब मृत्युदंड की सजा तो उनको मिल जाती है लेकिन केरला की जो स्थिति है उसके बाद सोशल मीडिया पे फोन्स पे इधर उधर से धमकियां देने लगते हैं उनको कि जैसे भी जी श्रीनिवासन को मारा ना आपको भी मार देंगे उस तरीके से आप इस चीज की इस बात की गंभीरता को समझिए केरल की घटना है पूरे भारत में डंका पीटा जाता है कि 100 परसेंट पढ़े लिखे लोग केरल के हैं बड़े प्रगतिशील हैं, बड़े प्रगतिवादी हैं और हकीकत में चेहरा जानते हैं क्या है दुनिया भर का कन्वर्जन दुनिया भर की चीजें केरल के के अंदर आज डेट में व्याप्त है और इसके लिए वामपंथी और कांग्रेसी दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। अब लोकतंत्र का भी डफली बहुत सुनती होंगी कि लोकतंत्र खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है केरल की घटना पे न रवीश कुमार बोलेगा न अजीत अंजुम बोलेगा न ये जितने लेफ्ट लिबरल गैंग है ये बोलेंगे किसी ने बोला अगर यही उल्टा होता कहीं मान लीजिए गलती से तो आप देखती अभी देखिए ये किया था इन्होंने ये कर दिया इन्होंने वो कर दिया इन्होंने लेकिन इस पर सब चुप है जानते क्यों यह देश तोड़क लोगों के नरेटिव को सूट नहीं करता है समझिएगा देश तोड़क न, लोगों के नैरेटिव को सूट नहीं करता इसलिए इस पर बात ही नहीं करेंगे अच्छा चलिए जज साहब ने तो फैसला सुना दिया सबूतों के आधार पर सुनाया होगा किसी को अगर दिक्कत है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसके भी दरवाजे खुले हुए हैं इस देश में लेकिन नहीं जज साहब तुमने हमारे खिलाफ फैसला कैसे सुना दिया हम तुमको रहने नहीं देंगे केरल में रहना है तो वामपंथी और कांग्रेसी जो कहें वही करना है चाहे आप जज हो या चाहे आप किसी अन्य पोस्ट पे बैठे हो अन्य पद पर बैठे हो ये उसी की बानगी है लेकिन इसके बाद पूरा जो जज लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है इस पे और अन्य लोगों की तरफ से जब दबाव पड़ने लगा केरल की सरकार पे खुद राज्यपाल का जब दबाव पड़ने लगा केरल की सरकार पे तो केरल की सरकार ने चार लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है अब मैं बताता हूं ये होता क्यों है देखिए आपने एक जज को धमकी दे दिया ठीक अगर आप एक जज को धमकी दे देंगे तो भाई अगले बार से जो जज होगा वो फैसला देते वक्त सोचेगा भाई एक मान लीजिए आप इनको प्रोटेक्शन दे देंगी सबको तो नहीं प्रोटेक्शन देंगी उस लेवल का मान लीजिए इनका मामला हो गया इनका मामला उछल गया आप प्रोटेक्शन दे देंगे लेकिन बाकी जज तो डरेंगे ना क्योंकि बात यह है कि जज के भी परिवार के लोग हैं तो इस तरीके का इन्वायरमेंट किसने बनाया है केरल पुलिस ने जज बीजी श्रीदेवी की हत्या के लिए उकसाने वाले मोहम्मद हादी को गिरफ्तार किया है और ये पीएफआई संगठन का जुड़ा हुआ है और एसडीपीआई एसडीपीआई इन्हीं लोगों के साथ तो मिलकर के एनडी अलायंस में है वहां पे हैं एसडीपीआई तो अभी बैन हुआ नहीं है वो तो पॉलिटिकल संस्था है और उसका खाद पानी पीएफआई से मिलता है और यही मुद्दा कर्नाटक में उठा था तो भाईचारा तुरंत खतरे में आ गया था देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया था जिस तरीके से केरला फाइल आप देख लीजिए चाहे अन्य चीजें देख लीजिए आप लोकल में कभी कोई केरला का रहने वाला होगा आप उससे पूछिएगा कि क्या स्थिति है केरल की और बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस बात का दम्भ है पोलिटिशियन तो बोलेंगे हम लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखों की जो स्थिति है चाहे प्रदेश के स्तर पर कभी प्रदेश को मैं कुछ कहता नहीं हूं लेकिन जो दम्भ है उस दम्भ में ऐसे लोग हैं तो क्या मतलब है तुम्हारे पढ़े लिखे होने का मतलब जहां जज फैसला देने के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस न करेगा गायत्री जी और यह बहुत गंभीर विषय है यह डराने की एक कोशिश है तो डरिए आप हमारे खिलाफ फैसला देना उससे पहले डरिए और यह जम्मू कश्मीर में भी हुआ था आपको पता है वहां पे एक जज के साथ क्या हुआ था यहां तो सिर्फ की है वहां तो काम ही कर दिया गया था और इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कुछ नहीं कहा तो ये जो स्थिति है ये जो परिस्थिति है इसको 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 समझना पड़ेगा और आपको मैं बता दू ये किस उम्र के हैं पच्चीस साल बाईस साल छब्बीस साल इनकी हिम्मत कौन है इनकी हिम्मत केरल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां वही तो हैं इनकी हिम्मत कैसे पड़ी आप खुद सोचिए और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं एक दुकान वहां भी, भी खोल दो भाई क्योंकि तुम तो वामपंथियों के साथ होने ये भी तो नहीं कर सकते कोई अपोजिशन की सरकार है वहां पे भाई जो इनका अलायंस बना है वो कांग्रेस वामपंथियों का बहुत मजबूत गठजोड़ है और उसी केरला से राहुल गांधी आते हैं राहुल गांधी ने एक लाइन बोला इस घटना पे चाहे 2021 में तब भी वो वहां से सांसद थे केरल से और चाहे सजा होने के बाद भी क्योंकि वोट बैंक का खतरा है इस देश में सब चीजें वोट बैंक के हिसाब से सोची जाएंगी हां यहां पे लोकतंत्र सुचिता सारी चीजें वो सिर्फ भाजपा के लिए मोदी के लिए अप्लाई होती है बाकी किसी के लिए नहीं अप्लाई होती है। और इस पर कोई डिबेट भी नहीं होती है क्योंकि डिबेट करेंगे तो एंकर को धमकी आ जाएगी कि तुमने कैसे डिबेट किया उससे ज्यादा कुछ करेंगे तो एफ हो जाएगी आपके खिलाफ फिर आपको उस प्रदेश की पुलिस ढूंढने लगेगी ये तो स्थिति है आप लायन एंड ऑर्डर में सही कर पाइए आप कोई चीजें ना सही कर पाइए लेकिन अगर कोई यूट्यूबर कोई पत्रकार अगर सही चीजें प्रेजेंट कर देगा तो पता चलेगा कुछ एफ आई आर कर दो हैं? तो ये स्थिति है घर में घुस करके मारा था 19 दिसंबर 2021 को उनके परिजनों के सामने उनका छोटा बेटा और बीवी भी था हाँ उनके परिवार के साथ अब सोचिए अब इस, इस घटना के सीरियसनेस को इस हिसाब से भी सोचिए उनकी इसके बाद तो अब तो फिर तो वहां पे बीजेपी के लिए को प्रचार करने के लिए मिलेगा ही नहीं इसके पीछे यही तो था ना भाई ऐसे लोगों से काम करवा दो फिर बाकी लोग डर जाएंगे बंगाल में भी ममता बनर्जी का होल्ड ऐसे ही है ना कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला फलाने अब्दुल्ला ढिकाने अब्दुल्ला जितने थे वो ऐसे ही होल्ड था ना तो कहने का यह मतलब है कि आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए आपके जज को थ्रेटन किया जा रहा है भाई क्योंकि उसने सजा सुना दिया है और सजा उनके खिलाफ चली गई है आपको भी तो सीमेटो लेकर के कम से कम पूछना चाहिए वहां की राज्य सरकार से भैया क्या कर रहे हो और नाम भी मैं बता देता हूं कौन कौन है इसमें नई मोहम्मद असलम अब्दुल कलाम सलाम इस तरीके के नाम है कुल पंद्रह लोग हैं इसमें समझ रही हैं? समझते कोर्ट ने सीधे तौर पे दोषी माना है और 302 सौ दो समेत चार धाराएं लगाई थी नवंबर नौ और बारह को लेकर के तथ्य सामने आए नौ और बारह को लेकर दूसरी नंबर नौ और बारह को लेकर के तथा सामने आए बाकी आठ आरोपी जब कर रहे थे तो हथियार से पहरा दे रहे थे दो लोग ये काम कर रहे थे बाकी पहरा दे रहे थे और इसमें जो तेरा नंबर चौदह नंबर और पंद्रह नंबर है ये साजिश रचने वाले हैं सोचिएगा आप फिर भी यहां पे इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि यूट्यूबर डर जाए केजरीवाल ने क्या किया एक यूट्यूबर ने बातें खोल दी तो पंजाब पुलिस भेज दिया दिल्ली पुलिस है ने उसको ठीक है और चार लोग इससे डरेंगे डरेंगे तो मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे तो लोग जानेंगे नहीं सच्चाई यह भी तो एक, 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 एक तरीके का खतरा है इस देश में इसको जिसको क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोग बात ही नहीं करें जी जी इनकी माँ इनकी पत्नी और इनका छोटा बेटा मतलब लिटरली तीन या चार साल का बेटा था जिसके सामने मारा गया सोचिए परिवार पर क्या बीती होगी पर एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है इस पूरे बीच में पिना राय कहाँ चला गया उसके मुंह से बोले फूट रहे वोट चाहिए ना वोट चाहिए और वोट चाहिए तो आप बोलेंगे नहीं और गठबंधन में सरकार है तो कांग्रेस भी नहीं बोले दोनों गठबंधन हो गया ना केरल में तो विपक्ष है ही नहीं केरल विपक्ष रहित है आज के डेट में क्योंकि सबसे ज्यादा आरएसएस और तो बीजेपी के वर्कर्स को वहां मारा जाता है अच्छा आप बताइए राहुल गांधी गए राहुल गांधी गए भारत जोड़ो न्याय पलाना कौन सा यात्रा कर रहे हैं यही टीएमसी के लोगों ने वामपंथियों को और कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा करके पंचायत चुनाव में मारा इसी 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 पंचायत चुनाव में है? वामपंथी करे मैं ममता बनर्जी के साथ नहीं लड़ेंगे ममता बनर्जी कह करे वामपंथी के साथ नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी ने एक लाइन बोला ममता बनर्जी के ऊपर एक लाइन बोला केरल में जाता है तो झूठा आरोप लगाता है कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं फलाना है मनमर्जी करने की कोशिश करता है ममता बनर्जी ने उठा करके मंच फेंक दिया राहुल गांधी का माइक छीन लिया और भगा दिया झारखंड के बॉर्डर तक खुद उसका प्रदेश अध्यक्ष गिड़गिड़ा रहा था कि हमको झारखंड के बॉर्डर तक छोड़ दीजिए बोला एक लाइन लोकतंत्र खतरे में था वहां हाथ जोड़ करके अधिरंजन चौधरी कह रहे थे कि हमें झारखंड बॉर्डर तक छोड़ दिया जाए हाथ जोड़ करके मंच तोड़ के फेंक दिया गया पुलिस ने परमिशन नहीं दी बाइक छीन लिया गया और बोला गया दो गाड़ी से निकल जाओ यहां से कार्यक्रम नहीं कर सकते बोला राहुल गांधी ने लोकतंत्र खतरे में है राहुल गांधी उसी केरला से सांसद है बोला कि लोकतंत्र खतरे में है इस तरीके का नहीं होना चाहिए विजयन को चिट्ठी लिखा नहीं जज फैसला दे दे उस पे उसको, उसको धमकी देना ये कहां तक का सही सही चीज है खुद सोच करके देखिए कि कोई भी अब अब फैसला देगा तो सोचेगा इस चीज को और वो भी महिला जज को वो भी महिला जज है अब आप गिरफ्तारी का नाटक कर रहे हैं और एक चीज मुझे ये एक चीज और समझ में नहीं आई अविनाश भाई जब ये लोग जुर्म करते हैं तो तो चेहरा बड़े चौड़े होकर दिखाते चलते हैं कि भाई हमने किया आप नाम भी आपने गिना दिए तब तो मुंह पर साफा बांध कर नहीं आए थे तब तो ऊपर मास्क लगा कर नहीं आए थे वो जो आजकल फेस कवर कर लेते हैं ये लोग जैसी पुलिस पकड़ती है तैसी इनका सबका तब, तब, अपना पूरा चेहरा कवर करने शुरू कर देते हैं आई थिंक ये इनका चेहरा दिखाना चाहिए मीडिया में लोगों को पता चलना चाहिए आइडेंटिफाई होने देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ फैसला देखिए एक चीज होता है किसी फैसले की आलोचना करना उसकी कमियों पर आलोचना करना लोकतंत्र में वो स्वीकार्य है आप जज को धमकी देंगे बताइए जज को इसीलिए धमकी दी जा रही है अरे अरे गठबंधन है हमारा यहां सरकार है तू हमारे सरकार खिलाफ कैसे फैसला दे दिए हम तो करने के लिए सब स्वतंत्र हैं इस पे तो जो हायर जुडिशरी है उसको संज्ञान लेना चाहिए ना इस मसले पे क्यों तो भाई उनकी बिरादरी का मामला है आप समझिए इसको ये क्या हो रहा है हुए, जो हाई की नहीं आए, सुप्रीम की तो बात ही छोड़ दीजिए केरला कोर्ट को तो पता होगा ना अंडर द सुपरविजन आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो केरला कोर्ट ही नो है उनका तो उनकी तो आनी चाहिए कि एक महिला जज को आप इस तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं जज है, है पुरुष जज हो जज तो जज है वो संवैधानिक कुर्सी पे बैठा हुआ है वहां से उसने न्याय किया है किसी को गलत न्याय लगता है तो हायर कोर्ट में जाएगा धमकी देने लगेगा खुद सोचिए इसको जी, बिल्कुल सही ये हम बात करें डेमोक्रेसी की और ये हालात है आज की डेट में हमारी डेमोक्रेसी की बताइए जब जज सुरक्षित नहीं है जज फैसला देते तो ये हालत है पुलिस अगर कुछ कर दे तो आपने देखा ये एक दो तो दिन पहले हल्दवानी में क्या हुआ तो ये हो क्या रहा है ये समाज किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है सोचने वाली बात है और अगर हम जैसे लोगों ने आपने मैंने हम जैसे लोगों ने इस पर आवाज नहीं उठाई और नहीं बोलते रहे, रहे रेगुलरली तो हमें सीरिया और अफगानिस्तान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नहीं लगेगा तो रोते आप सोचिए आप सोचिए कि नीलकंठ गंजू चौतीस साल पुरानी बात हो गई ना नीलकंठ गंजू कहा मारे गए थे जम्मू कश्मीर में क्यों मारे गए थे इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए पढ़िए थोड़ा कि नीलकंठ गंजू कौन थे क्यों और किसने अस्सी के दशक में है? और कश्मीरी पंडित थे वो है श्रीनगर के रहने वाले थे वो उन्नीस सौ अस्सी की घटना है क्यों मार दिया गया उनको इस तरह पहले धमकी दे गई उसके बाद मार दिया क्या किया आप आज तक उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं किया जबकि उन्हीं की वही सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के, के केसेस को सुनने से मना कर रहा ना है? छोड़ी पुराना हो गया मतलब क्यों? अपना जज पहलो जज मारा जाता है तो पुराना हो जाता है कल को किसी अभी तो डिस्ट्रिक्ट जज के के लोगों को मार रहे हैं फिर फिर हाई कोर्ट कोर्ट जाएंगे फिर सुप्रीम जाएंगे सुप्रीम जम्मू कश्मीर किसी भी मसले पर सुनवाई के लिए इनकार कर दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर दिया था जब कश्मीर फाइल में आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ना किसपे सुनवाई होनी चाहिए इस तरीके की चीजों पर और जम्मू कश्मीर फाइल जो फिल्म आई थी उसने तो क्लेम किया था कि हम सच्ची घटना पे बना रहे हैं लेकिन नहीं किया गया डर लगता है ना सबको ये ये चीजें ठीक है चार लोगों को गिरफ्तार किए है, देखते हैं क्या होता है इस केस में आगे जी जी अभी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है आपके पास ईमेल हो आपके पास आरडीआई हो आपके पास जो भी अवेलेबल चीजें हो स्टार्ट राइटिंग टू दीज ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करके ईमेल डालूंगी कि पता करें कि गंजू जी के लिए अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई गई क्योंकि पहले गंजू जी को अब केरला में वही हालत है कुछ महीनों कुछ सालों बाद बोलेंगे निकल लो रालिब गालिब चालिफ यहां से कर लो आप केरला से क्योंकि टाइम नहीं लगता ये अचानक से मोमेंट बिल्ड होता है और विद इन फोर्टी एट आवर्स आपको बहुत सारी चीजें क्योंकि हमेशा तैयार बैठे हुए होते हैं बात ये ठीक है जब जज को धमकी दे दी तो आप समझ सकते हैं कि सीरियस सिचुएशन कहां तक है जी थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर जॉइनिंग जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है अविनाश भाई का चैनल एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमें फीडबैक देना चाहते हैं हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम जय हिंद जय भारत जय श्री